मुझे तो कुछ पता ही नहीं। सुबह किया था? हाँ सुबह इसने सब किया था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग गुड। तो आज से तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगना शुरू हो चुकी है। नहाने भी जा रहे हैं तो एकदम ठंडा ठंडा पानी लग रहा है। दिव्या, सोनाली और पापा कह रहे हैं कि हमें नहाना ही नहीं है क्योंकि ज़्यादा ठंडी लग रही है। मैं तो नहाकर आ चुका हूँ और मुझे थोड़ा थोड़ा सर्दी भी होना शुरू हो गई है क्योंकि ज़्यादा ठंड लगती है तो मुझे सर्दी होना शुरू हो जाती है। एंड यूजुअली ऐसा कोई डस्ट कुछ फ्रेगनेंस का स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा तो उससे भी होता है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपना फॉर्मल ड्रेस लेने जो कि मैंने 10 दिन पहले दिया था। तो आज का डेट दिया था मुझे, जाकर लेकर आते। कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला भी मुझे आज ना मिले या तो बाद में कभी मिले, फिंगर्स क्रॉस। बट टाइम पे मिल जाएगा क्योंकि अंकल अच्छा काम करते हैं एंड टाइम पे करते हैं। एंड अंकल ने खुद से अपनी मर्जी से अपना डेट दिया क्योंकि जब अंकल ने मुझे पूछा था कि कब लेना है कब चाहिए तो मैंने बोला आपकी मर्जी, आप कभी भी दो, मुझे कुछ घाई नहीं है। सो आज का डेट दिया था, फटाफट जाकर वो लेकर आ जाते। अंकल हो गया बिल है, मैं पेपर लाना भूल गया। ओके। यहाँ पर भी सेम सीन हो गया, यहाँ पर शर्ट तो बन गया, पैंट भी बन गया, बट पैंट का थोड़ा काम बाकी है। आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो अभी मुझे 1 बजे बुलाया, 2 घंटे के बाद जाएंगे। हाथ तो गया पर ये कपड़ा भी नहीं हुआ है। क्या ये भी नहीं हुआ? नहीं, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, क्यों होता है? अभी अंकल ने मुझे 1 बजे बुलाया 2 घंटे के बाद। सो अभी फिलहाल मैं हेलमेट का सेटअप कर रहा हूँ। ये जो मैंने बोया का माइक लिया था BYM1, इसे मुझे इसके अंदर सेट करना है। काफ़ी बड़ा माइक है ये, मुझे लगा नहीं था इतना बड़ा होगा। बहुत बड़ा वायर है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये स्मार्टफोन के लिए भी है वायर एंड व्लॉगिंग के लिए भी है, कैमरे के लिए भी है। उसी के साथ ये भी मिलता है जो हम बड़े एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। तो ये रखते हैं साइड में। ये पूरा मुझे माइक लगाना है। इसका वायर देखिए काफ़ी ज़्यादा और बहुत बड़ा है। अब मुझे समझ रहा नहीं है ये मैं पूरे हेलमेट में कैसे लगाऊँ। मुझे लगता है ऐसा पूरा गोल घुमा के अंदर ही अंदर लगाना होगा। ऑल्सो इसमें काम बाकी है, यहाँ पर चिन माउंट आना बाकी है। तो चिन माउंट आएगा तभी मैं कैमरा इधर एडजस्ट कर सकता हूँ। सो फिलहाल के लिए अभी मैं सिर्फ ये बोया का माइक लगा रहा हूँ, देखते हैं कैसे लगेगा। अगर मैं ये लगाता हूँ तो ये किधर अंदर डालना पड़ेगा और चेक भी करना पड़ेगा कि मतलब अंदर से पहनते हुए हर्ट ना हो या तो मुझे अनकंफर्टेबल ना लगे। सो सबसे पहले तो मुझे ये कुशन निकालना होगा एंड चेक करना होगा कहाँ पर मैं ये जाड़ा वाला एडजस्ट कर सकता हूँ। तो फटाफट इसे निकालते और एडजस्ट करते होने के बाद मैं आपको बता दो कैसे दिख रहा है। सो फाइनली इसमें माइक भी सेट हो चुका है, बस अब वेट करते जब इसका चिन माउंट आएगा तो चिन माउंट भी लगा लेंगे। और मैंने यहाँ से ये एक्स्ट्रा वायर भी छोड़ दिया है जो कि गोप्रो में लगेगा। एंड ये देखिए इधर माइक भी है, सो पूरा आवाज यहाँ से अच्छे से क्लियरली जाएगा। चिन माउंट आते ही फिर हम लोग गोप्रो पूरा अच्छे से लगा कर एक ट्रायल करेंगे, देखेंगे कैसा आवाज आ रहा है। तो मैं बाहर एक स्मॉल राइड करके आऊंगा तब बताऊंगा, फिलहाल के लिए चिन माउंट का वेट करते। सो इसी के साथ कपड़ा लेने का टाइम हो चुका है, बट खाना भी बन चुका है तो सबसे पहले खाना खाते उसके बाद चलेंगे कपड़ा लेने। अंकल हो गया? हो गया, थैंक यू। बैठो। मैक्स नहीं, मस्ती नहीं, मम्मी मारेगी, चुप। नो, अरे क्या हुआ? कुकु मैक्स कुछ नहीं करेगा। मम्मी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। सुबह किया था? हाँ सुबह इसने सब किया था, टॉयलेट सब कुछ किया। पानी पी रहा है? अरे सो मैक्स को यहाँ पर ऑलमोस्ट 5-6 घंटे हो चुके, वो यहीं पे बैठा है। एक्चुअली सुबह एक अंकल आए थे तो मम्मी ने इसे यहाँ पर बांधा था, हमने उसे खोल तो दिया है, 5 मिनट के लिए बांधा था, उसके बाद हम लोग ने खोल दिया था। बट उसे ऐसा लग रहा है कि उसे बांध के रखा है तो यहीं पे बैठा है वो। मैक्स तुझे खोल दिया, चलो चलो
गुड बॉय, क्या हुआ देखो उधर क्यों रुका हुआ था तू? हाँ हाँ, पानी पी, मम्मी मम्मी पानी दे रही, पानी मम्मी पानी दे रही, पानी। बाहर नहीं जा रहे हम लोग, बाहर नहीं, ओए बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में, मैक्स नहीं, बाहर नहीं जा रहे हम लोग, पानी पी ले जा। चाय बनाकर हो चुका है, तो आज हम लोग नाश्ते में खाएंगे टोस्ट, जो कि मैं बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ, आई थिंक सो मैं सालों बाद खा रहा हूँ। हेलमेट का माइक सेटअप तो कर दिया था, बट जब मैं टेस्ट राइड लेने गया तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। हेलमेट ऐसा लग रहा था प्रॉपरली फिट नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा था कि हेलमेट थोड़ा सा ऊपर है। सो मुझे वापिस से पूरा माइक सब कुछ निकालना पड़ा एंड वापिस से मैंने सेट कर दिया है। तो पीछे से कुछ ऐसा है, यहाँ पर मैंने इसका एडेप्टर बोल सकते हो या तो जिसमें सेल लगता है वो पीछे साइड को लगा दिया है। इसका पूरा वीडियो आपको कल मिलेगा, कल मैं प्रॉपरली इसका वीडियो बनाकर डालूंगा। मैंने आधा शूट अभी कर लिया था, कैसे फिटिंग की सब कुछ मैंने एकदम प्रॉपर वीडियो बनाया, तो इसका वीडियो कल मिलेगा। और अपना हेलमेट प्रॉपरली सेटअप हो चुका है, बस चिन माउंट की कमी है, चिन माउंट आ जाएगा तो पूरा हेलमेट सेट हो जाएगा अपना। और उसके बाद मैं एक राउंड भी मारने जाऊंगा विद गोप्रो एंड चेक करेंगे कैसा है, क्योंकि मैंने ऐसे ही पहन के चेक कर लिया, ऐसा एकदम कंफर्टेबल है ना, अभी प्रॉपर हेलमेट लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि इसमें मैंने माइक का सेटअप किया होगा, क्योंकि जो मैंने पहले किया था उसमें बहुत अजीब फील हो रहा था, कंफर्टेबल नहीं था एंड हेलमेट भी पूरा प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा था। सो बस वेट कीजिए कल के वीडियो के लिए, कल पक्का जरूर इसका पूरा माइक सेटअप का वीडियो आएगा। ये सर्दी ने तो सुबह से हालत खराब कर रखी है, दोपहर को तो कुछ ज्यादा ही था, तो दोपहर को मैं थोड़ा सोया था एंड अभी राउंड पर आ गया हूँ। राउंड तो अपना बंद नहीं होगा, सर्दी हो चाहे कुछ भी हो। सो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का राउंड हो चुका है, अभी बस एक लास्ट राउंड है, फिर मुझे जाना है अपना कपड़ा लेने लॉन्ड्री में। अभी लास्ट राउंड है तो एक लंबा वाला बड़ा स्प्रिंट मारते, वाह मजा आ रहा है। रेडी हुआ? आया ना, दे दो हाँ, सुबह अभी चाहिए? हाँ अभी चाहिए, मुझे लगता है आया नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे हो। नहीं अभी आया है ना, दे दो अभी दे दो। निकल गया ना पूरा दाग, पूरा वाइट है ना। हाँ हाँ, फाइनली 5 दिन बाद टी शर्ट आज मिला है। तो मैं अभी जा रहा हूँ निखिल के घर बनी हुई मच्छी लेने, जैसे कि मुझे मच्छी बहुत पसंद है, मेरे घर पे नहीं बनता है ये सब, क्योंकि बहन लोग मना करते हैं, बहन लोग को इसका जो स्मेल आता है वो पसंद नहीं है। तो निखिल को सब कुछ पता था, तो निखिल ने जस्ट अभी कॉल किया, तो वही लेने जा रहा हूँ। उसका घर यहीं पर है मेरे सोसाइटी के बाजू में, तो सोचा चल कर जाते, क्या स्कूटी लेना, एक तो पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो चुका है एंड महाराष्ट्र में तो कुछ ज़्यादा ही महंगा है। थैंक यू, सुखा है हाँ, ट्राई किया।